हेलो बच्चों, तो आज हम आए हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 लेकर के, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इस टॉपिक के बाद मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा जो मैंने लेक्चर 2 में टॉपिक कराया है, एक तो तुम्हारा कूलम्स लॉ का, और फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। ठीक है, जैसे कि डिमांड आई थी कि सर टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स भी एक दो करा देना, तो बिल्कुल अब मैं टॉपिक के साथ साथ एक दो न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि एक कोई ये कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कार्टीजियन कोऑर्डिनेट में तीन चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसको कह देंगे हम क्या Q1, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसको कह देंगे हम क्या Q2, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इसको बोल देंगे हम क्या Q3। ठीक है, और हम इन तीनों की वजह से एक पॉइंट पी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लगा देते हैं Q3। ठीक है, हम P पॉइंट पे निकालना चाहते हैं कि इन तीनों चार्ज का क्या इफेक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, इन तीनों चार्ज का क्या इफेक्टिव फोर्स होगा, तो जिस भी पॉइंट पे इफेक्टिव फोर्स निकालना होता है उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, एक चार्ज रख देते हैं। ठीक है, मान लो ये चार्ज है और ये चार्ज कहला रहा है Q0 बोल देते हैं। ठीक है, Q0 बोल देते हैं इस चार्ज को हम। ठीक है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज रख दिया हमने जिस भी पॉइंट पे हमें फोर्स पता करना था। तो अब हमने क्या करना है, इंडिविजुअल्स देखने, पहले सबके इंडिविजुअल क्या है पोजीशन वेक्टर चेक करने हैं। ठीक है, ये R1 वेक्टर कहलाएगा, ये R2 वेक्टर कहलाएगा और ये R3 वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इस Q1 का फोर्स, भाई तीनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा QP बोल देते हैं। ठीक है, QP बोल देते हैं, ये इस पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स ऑन P ड्यू टू 1। अब ये जो Q2 फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, फोर्स ऑन P ड्यू टू 2, और ये जो फोर्स लगा रहा होगा ये इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, फोर्स ऑन P ड्यू टू 3। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम फोर्स निकालना चाहते हैं, टोटल फोर्स एट पॉइंट ओ पे, ये पॉइंट ओ मान रहे हैं, और QP चार्ज रखा हुआ है, और इसका भी एक पोजीशन वेक्टर है आर पी वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली फोर्स, टोटल फोर्स देखेंगे तो कैसे निकालेंगे हम जरा बताना, F01। ठीक है, मतलब यहाँ पे P1 है, तो FP1 प्लस FP2 प्लस FP3 प्लस अप टू जितने भी फोर्सेस लगे होंगे सबका सिंपल सम कर देना होता है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब भी दो चार्ज या दो से ज़्यादा चार्ज रखे हों किसी सिस्टम में, जब हम उस सिस्टम में किसी एक पॉइंट पर उन सभी चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना चाहते हैं, टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं, नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन सभी फोर्सेस का क्या कर देंगे, वैक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि दैट नेट फोर्स ऑन अ पॉइंट ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस इन अ सिस्टम इज द वेक्टर सम ऑफ All the forces exerted by the individual charge। ठीक है,
समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पे लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट आता है, एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या आता है कि इस पॉइंट पे वन चार्ज, Q1 चार्ज जो फोर्स लगा रहा था, उस फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Q2 और Q3। मतलब इस पॉइंट पे अगर ये फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स ये अकेला होता सिस्टम में उतना ही लगाएगा जब ये सिस्टम में और भी ज़्यादा चार्जेस हों। तो मतलब इन सभी की प्रेजेंस इसके द्वारा लगाए गए फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, भले ही और भी चार्जेस हैं या नहीं है। तो सिस्टम में चाहे दो चार्ज हों, चाहे तीन चार्ज हों, चाहे चार चार्ज हों, जितने भी चार्ज हों, वो सभी चार्ज क्या होते हैं, वो सभी चार्ज अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स लगाते हैं इस तरीके से कि जैसे कि उस सिस्टम में और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है इसमें, ठीक। चलो ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जरा FP1 फोर्स क्या होगा जरा बताना। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने कूलम्स लॉ में, 1/4πε0 Q1 Q2 r2। बताओ एक बात मुझे बताना बेटा, r1 rp, तो ये क्या कहलाएगा, rp1 नहीं कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ये क्या कहलाएगा, rp3 नहीं कहलाएगा, और ऐसे ये क्या कहलाएगा, rp2 नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं टोटल फोर्स निकालना चाहता हूं, एफ पी निकालना चाहता हूं, तो 1/4πε0 Q1 Qp अपॉन rp1 square और rp1 cap, ठीक है, प्लस 1/4πε0 Q2 Qp अपॉन rp2 square rp2 cap, प्लस अप टू चलेगा ये 1/4πε0 Q n Q p अपॉन rp n square rp n cap। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से हम कर क्या सकते हैं, सब कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या क्या ले सकते हैं जरा देखें, जरा 1/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, सब में से qp कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, q1 अपॉन rp1 square rp1 cap प्लस q2 rp2 square rp2 cap प्लस qn rpn square rpn cap, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। चलो इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां से ये सब एक समेशन में आ सकता है। तो F@P निकालूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, Qp/4πε0 समेशन i=1 to n और Qi/rpi square rpi cap। आई होप समझ में आया होगा। सो दिस इज द नेट फोर्स और यहाँ से हम मैग्नीट्यूड इजिली निकाल सकते हैं, और जो डायरेक्शन आएगा यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है, जो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन यहाँ पे निकल के आता है, वो डायरेक्शन कैसे निकल के आएगा किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे, वो निकल के आएगा किससे, इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग पॉलीगन लॉ ऑफ वैक्टर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम कूलम्स लॉ पे, फिर एक क्वेश्चन लेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। ये आपको भी पता है फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के थ्योरी बेकार है, ठीक है। खाली थ्योरी करने से मज़ा कुछ नहीं आएगा जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। और बेटा मेरी गंदी आदत है, मैं या तो न्यूमेरिकल करवाऊंगा न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो मैं कूलम्स लॉ पे इतना ज़बरदस्त न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ कि अच्छे हिल जाएंगे उस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। समझो क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं पूरा, क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। ये है कूलम्स लॉ पे, दो पॉइंट चार्जेस हैं +4e और +e, ठीक है। ये दो पॉइंट चार्ज हैं, यहां पे +4e है और यहां पे +e है इस पॉइंट पे, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है।
ओके, अब इसमें बोला हुआ है कि टू पॉइंट चार्जेस प्लस फोर ई एन प्लस ई आर फिक्स अ डिस्टेंस ए, इन दोनों के बीच की दूरी है बेटा ए पॉइंट, ए डिस्टेंस, ठीक है, ए डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी है ए डिस्टेंस। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, अब मैं बताता हूँ क्या पूछा हुआ है। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड, तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए, ठीक है, इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग मतलब बीच में ही होना चाहिए, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्ज, सो दैट ठीक है, सो दैट इट, ये जो चार्ज है, सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, इट मे बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये निकालना तो आसान हो जाता है, ये निकालना आसान हो जाता है, ठीक है, लेकिन आसान क्या नहीं है इसका सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये बोला हुआ है कि ये भी बताना है हमें इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी, द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल, ओके, इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या स्थिति बनती है, जब भी किसी चार्ज को हमें रखना है, देखो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने चार्ज रखना है, बीच में कहीं हमने एक जगह चार्ज रख दिया मान लो, ठीक है, तो ये चार्ज हम जहाँ रख रहे हैं वो प्लस क्यू चार्ज मान के चल रहे हैं इनिशियली, हमें नहीं पता कि ये प्लस क्यू चार्ज होगा या माइनस क्यू चार्ज होगा, अभी हम इनिशियली मान के चल रहे हैं प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, चलो प्लस क्यू चार्ज हमने माना एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा, इतनी बात तो क्लियर आ रही होगी, ठीक है। जब ये प्लस क्यू चार्ज, अभी हम चाहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मैं जरा इस ए डिस्टेंस को थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूँ, ओके, ये तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब ये भी इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा होगा इस तरफ, मान लो ये हो गया एफ वन इसकी वजह से, और ये फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ F2, और F1 should be equal to F2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेस्ट, मूव ना करे, अरे बात समझ में, तो अगर हम चाहते कि चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा, सो सिंपल, बस लगा दो कहानी। F1 क्या था, F1 इज द फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू प्लस 4e, एंड F2 इज द फोर्स ऑन प्लस q ड्यू टू e प्लस e, ठीक है, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2 होना चाहिए, बस F1 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का 4e इंटू q अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस का e इंटू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ओके, q से q कैंसिल, तो बचा क्या, हमें x की वैल्यू बतानी थी, हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी थी, तो देखो जरा प्लस का 4e अपॉन e से e भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन x² = यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 1 अपॉन a माइनस x² होल स्क्वायर, इसको इधर ले जाते हैं और उसको इधर ले जाएंगे तो x² = 4 times of a माइनस x² होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों साइड कर देंगे तो x = क्या आएगा यहाँ से बताना जरा, +-2a माइनस x, यही तो आएगा +-2a माइनस x, यहाँ से ये चीज़ बन रही है, चलो देखें जरा क्या बनना है, एक बार प्लस 2 लेंगे, एक बार माइनस 2 लेंगे, एक बार प्लस 2 लिया तो 2a माइनस 2x,
इधर आएगा तो 3x इक्वल्स टू 2a और x इज इक्वल्स टू 2a बाई 3, ठीक है। और अगर हम माइनस लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस का 2x, तो ये 2x इधर आएगा तो x माइनस 2x, माइनस का x इज इक्वल्स टू माइनस का 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 2a, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब a डिस्टेंस तो ये था और x डिस्टेंस यहाँ से दोगुना ज़्यादा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में बोला हुआ है कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्ज, तो मतलब ये पॉसिबल है। क्लियर हो गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया कि चार्ज कहाँ रखाना चाहिए, 2a बाई 3 डिस्टेंस पर रखाना चाहिए। चार्ज शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2a बाई 3 फ्रॉम द प्लस 4e, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन समझो सेकंड पार्ट, इन विच केस द इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल, किस केस में ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल होगा और किस केस में ये जो इक्विलिब्रियम है ये अनस्टेबल होगा। आपने बेटा 11th क्लास में स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लो एक बार ध्यान से। मान लो कि कोई आपके पास ये इस तरीके की बॉडी है, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई मोती रखा हुआ है, इस मोती को ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम में अभी तो फिलहाल, लेकिन अगर इस मोती को मैं यहाँ से थोड़ा सा राइट की तरफ स्लाइड कराऊँ और फिर छोड़ दूँ तो ये टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम जा रहा है या अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रहा है। अगर ये टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम जाता है तो ये कहलाएगा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर मेरे पास जस्ट बॉडी इसकी अपोजिट है इस तरीके से और यहाँ पे कोई मोती रखा हुआ है या कोई भी एक स्टोन रखा हुआ है या कोई भी एक कंचा रखा हुआ है, ठीक है, ये अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में। जैसे ही मैं इसको हल्का सा राइट की तरफ स्लाइड करूंगा, ठीक है, तो एक बात बताना मुझे, जैसे ही मैं इसे राइट की तरफ स्लाइड करूंगा तो ये स्लाइड करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा ये टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम जाएगा या अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जाएगा, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जाएगा। समझ में आया, थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद उसको मूव कराने के बाद हमें रिलीज करना होता है तो वो फिर आफ्टर रिलीज हम ये देखेंगे कि वो टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम जा रहा है या अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रहा है। अगर वो टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम जा रहा है देन स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा और अगर वो अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रहा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे ये समझें कि किस केस में स्टेबल होगा और किस केस में अनस्टेबल होगा, बहुत आराम से समझोगे तो समझ में आ भी जाएगा। चलो मैं डायग्राम को अब थोड़ा सा रब कर रहा हूँ और तमीज से डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि अपना काम आसान हो जाएगा। देखो चार्ज रखा हुआ था इस तरीके से, ठीक है, चार्ज रखा हुआ था इस तरीके से और बीच में रखा हुआ था प्लस क्यू चार्ज, ये हो जाएगा 2a बाई 3 डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा a, यहाँ पे रखा हुआ था प्लस 4e और यहाँ पे हो जाएगा प्लस e, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ यहाँ पे ये भी तो थी कि ये F1 फोर्स था और ये F2 फोर्स था, ठीक है, कब, जब ये हमने पॉजिटिव चार्ज माना था। तो पहला केस हम कंसीडर कर रहे हैं चार्ज विल बी पॉजिटिव, देखें चार्ज विल बी पॉजिटिव। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कराऊँ, प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा राइट की तरफ मूव कराऊं तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब F1 फोर्स डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज F फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। मतलब इफ प्लस क्यू मूव्स टुवार्ड्स राइट स्लाइटली हल्का सा मूव करेगा तो क्या होगा, देन F1 विल डिक्रीज, बताओ मुझे, और ये किसके पास पहुंच गया है, प्लस ई के पास पहुंच गया, तो इसके द्वारा जो लगने वाला फोर्स था F2 वो बढ़ जाएगा, F2 विल इंक्रीज। इसका मतलब अब तो कुछ और ही कहानी बन गई, कहानी क्या बन गई सुन लो, कहानी ये बन चुकी है कि F1 फोर्स ज्यादा कम है और F2 फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब जैसे ही इधर जाएगा, ठीक है, F2 फोर्स बढ़ा तो इसका मतलब अब द नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, ज्यादा माइनस कम, F2 माइनस F1, और किसके डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ज्यादा वाला फोर्स। बोलो भाई ज्यादा माइनस कम, कोई बॉडी रखी हुई है इधर से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है उधर से 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बॉडी कहाँ जाएगी, 7 न्यूटन के साथ 10 के डायरेक्शन में जाएगी, तो बस द नेट फोर्स एग्जर्टेड ऑन द प्लस क्यू चार्ज विल बी
चार्ज इज F2 माइनस F1 इन द डायरेक्शन ऑफ F2 फोर्स। समझ में आया नहीं आया? F2 फोर्स, इसका मतलब ये जा रहा है कहां? टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम, दैट इज टुवार्ड्स द इक्विलिब्रियम। सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज दैट क्लियर? सो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? सेकेंड केस, चार्ज मानना है हम नेगेटिव, चार्ज विल बी नेगेटिव, स्थिति कुछ और बन जाएगी। अब देखो स्थिति कुछ और बन जाएगी, चार्ज नेगेटिव ले रहा हूँ माइनस क्यू चार्ज, बेटा डिस्टेंस तो यही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस हमने निकाला था सिर्फ यूज़ करके क्या उसका मैग्नीट्यूड चार्ज का, प्लस और माइनस यूज़ नहीं किया था। लेकिन F1 और F2 के डायरेक्शन बदल जाएंगे। ध्यान से देखो, इस बार ये इसे इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, F1 इधर हो जाएगा और F2 इधर हो जाएगा। बताओ, F1 इज टुवार्ड्स प्लस 4e एंड F2 इज टुवार्ड्स प्लस का ई। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, इतनी बात अगर आपको समझ में आई गई है तो अच्छी बात है भैया। अब लेकिन ये समझो, इफ माइनस क्यू चार्ज विल मूव टुवार्ड्स राइट स्लाइटली, तब स्थिति क्या बन जाएगी? इस चीज को समझने की कोशिश करना, एक बार बस फील कर लोगे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मैंने हल्का सा इसको इधर मूव कराया है, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब F1 डिक्रीज हो गया और अगेन F2 इंक्रीज हो गया। क्यों? इन दोनों का डिस्टेंस कम नहीं हो गया, तो F2 बढ़ जाएगा फोर्स, क्योंकि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r². तो क्या होगा, जैसे ही मैं इसको हल्का सा राइट की तरफ स्लाइड शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, F1 अगेन विल डिक्रीज एंड F2 विल इंक्रीज। इसका मतलब द नेट फोर्स कितना होगा, F2 माइनस F1 इज एग्जर्टेड ऑन माइनस क्यू ठीक है, टुवार्ड्स राइट, या कह सकते हैं टुवार्ड्स F2 डायरेक्शन, जिस एक्शन में F2 फोर्स लग रहा है, किस एक्शन में लग रहा है, राइट की तरफ, दैट इज अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इसका मतलब इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लो जी, था मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कूलम्स लॉ से रिलेटेड था। इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, पहला पार्ट आसान था लेकिन दूसरा पार्ट आसान नहीं था। आपको ये बताना था कि कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा, तो हमने बता दिया, प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस बार हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन आएगा। देखो उस क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ है L। दिस इज पॉइंट A, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, इस पॉइंट को A बोल दिया, A B एंड C, और तीनों ही पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू
और प्लस क्यू, तीनों ही पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन, ठीक है, ऑफ द चार्ज, ऑफ द चार्ज टू बी कैप्ड, टू बी कैप्ड एट इट्स सेंट्रोइड, एट इट्स सेंट्रोइड मतलब सेंटर में रखना है, ठीक है, सो दैट द चार्जेस एट द वर्टिसेस, जो वर्टिसेस कॉर्नर पर रखे हुए हैं, रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अच्छा देखते हैं, सिंपल सी बात है कि पहले तो आप ये देखो कि इसकी वजह से फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है एफ बी, इसकी वजह से फोर्स कहाँ लग रहा है एफ सी, ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। बेटा ये दो फोर्स, ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा इस साइड, ये फोर्स लगा रहा होगा इस साइड, ठीक है, चलो इन दो का रिजल्टेंट आएगा बीच में, रिजल्टेंट आएगा बीच में, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे एक ऐसा चार्ज रखूं, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड एंड साइन बताना है, जिससे कि तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो, ध्यान से सुनना अगला स्टेटमेंट, इन दो चार्ज की वजह से लगने वाले जो दो फोर्स निकल के आए हैं, उनका जो रिजल्टेंट है उसी के बराबर का मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इस तरफ खींचने वाला हो कोई, मतलब इन दो की वजह से ये चार्ज कहाँ जाएगा, ये सोच के देखो, इन दो चार्ज की वजह से ये चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वो भी इधर बीच में, लेकिन इतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स का कोई इसे खींचने वाला नीचे की तरफ मिल जाए, समझ में आ गया, कोई इसे खींचने वाला नीचे की तरफ मिल जाए तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएगा, बताओ ये इक्विलिब्रियम में आएगा कि नहीं आएगा। बस इतनी सी बात थी, इसी बात को सॉल्व कर लेना था आपको, ठीक है। चलो एफ बी फोर्स देखते हैं और एफ सी फोर्स देखते हैं, एफ बी और एफ सी दोनों फोर्स का लगा करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एफ बी फोर्स, बताना 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, बताओ कोई दिक्कत, क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, डायरेक्शन आपको पता हुआ है तो डायरेक्शन में यहाँ पर लिख नहीं रहा। एफ सी फोर्स देखते हैं 1/4πε0, ये भी आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों का सम नहीं कर सकता, एफ बी प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, बताना एफ बी प्लस एफ सी क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एक ले लें, टू टाइम्स ऑफ वन ले लें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अच्छा इन दोनों का फोर्स निकालना है अगर हमें, तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे तो इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है ये बता दो, इनके बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है। भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि सिंपल तरीके से समझाऊँ कि एफ बी का एक कंपोनेंट इधर होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, एफ बी का एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि क्या कहलाएगा, एफ बी कॉस 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 नहीं हो जाएगा, हाफ एंगल हो गया, ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, इधर की साइड होगा, ऐसी एफ सी का एक कंपोनेंट तो ऊपर जाएगा जो कि क्या होगा, ये दिक्कत है, हाँ इधर लिख देता हूँ, एफ सी कॉस 30 डिग्री और एक कंपोनेंट इधर होगा एफ सी साइन 30 डिग्री, ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल कर गए और उन दोनों को ऐड कर गए, तो मैं एफ बी प्लस एफ सी को क्या लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ, भाई क्या लिखूंगा, एफ बी कॉस 30 प्लस एफ सी कॉस 30 डिग्री, ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ एफ बी कॉस 30 डिग्री लिख सकता हूँ,
टू टाइम्स ऑफ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 होती है। जी हाँ, तो √3/2 लगा दिया हमने, बस सिंपल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/4 πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये √3 रह गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक जी और एक क्यू चार्ज रख रहे हैं हम, कैपिटल क्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे? आपको पता है ना, ये पूरा डिस्टेंस परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, और ये L बाई टू और ये L, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगा, और उसका ये कितना टर्म्स होता है, L बाई थ्री नहीं होता, ठीक है। मतलब जो टोटल जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये जो डिस्टेंस AG डिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा, एक सेकेंड, हाँ जी, AG जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो L बाई √3 का होल स्क्वायर निकल के आएगा। AG डिस्टेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा AG इक्वल टू L बाई √3, ठीक है। बस हमने क्या करना था, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाने थे, ठीक है। वी वॉन्ट दैट प्लस क्यू चार्ज एट ए विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो वी वॉन्ट द प्लस क्यू चार्ज एट ए विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एफ बी प्लस एफ सी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए जी करना पड़ेगा भाई, फोर्स इन बिटवीन ए जी करना पड़ेगा। तो वैल्यू पुट कर दो जल्दी से, 1/4 πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू √3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/4 πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एल बाई √3 का होल स्क्वायर। बताओ, दिस इज द फोर्स बिटवीन ए एंड जी, ओके। और ये माइनस होना चाहिए क्योंकि हम अपोजिट इन साइन चाहते हैं बट इक्वल सेम इन मैग्नीट्यूड चाहते हैं, तो 1/4 πε0 कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जरा क्या बचा, जरा देखें, जरा q अपॉन एल स्क्वायर इंटू √3 इक्वल टू, उस साइड में क्या बचा, q इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा जो कि ऊपर आ जाएगा, अपॉन एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये माइनस रहेगा, ओके। इस √3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3 × √3 लिख सकता हूँ, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस क्यू अपॉन √3। जी हाँ, हमें यहाँ पे जो चार्ज रखना था वो माइनस क्यू अपॉन √3 चार्ज रखना था, जिसकी वजह से ये तीनों चार्ज क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये चाहते थे कि ऐसा कितना चार्ज रखें उसका मैग्नीट्यूड और साइन क्या हो कि जिससे कि ये तीनों इक्विलिब्रियम में हो। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से फोर्स चेक कर लिया, मतलब ये चार्ज इन दोनों की वजह से कहाँ जाता, बीच में ऊपर, कितने मैग्नीट्यूड के साथ जाता, इतने मैग्नीट्यूड के साथ जाता, तो इतने ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन में अगर कोई खींचने वाला मिल जाए तो वो भी इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बस हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू की वैल्यू लगा दी, मतलब हम यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे वो क्या रखेंगे, जी पॉइंट पे, माइनस क्यू अपॉन √3, दैट्स इट, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा, अब जल्दी जल्दी लेक्चर लेकर के आऊँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी अब लेक्चर्स आएंगे, सो कीप इन टच, और लगातार न्यूमेरिकल्स करते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, और अपना आराम से पढ़ाई करो घर पे, ओके, थैंक यू। और बेटा प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, थैंक यू।